मैं ओबेरॉय और ताजमहल दोनों में रहा हूँ। ओबेरॉय निश्चित रूप से उत्तम विकल्प है, त्रुटिहीन सेवा, बिना किसी सीमा के 5 सितारा, लेकिन होटल में भारतीय स्वाद बहुत कम है। यहाँ रहने वाले मेहमान आमतौर पर कारोबारी लोग या धनी भारतीय परिवार से होते हैं। एकमात्र निराशा इंटरनेट थी। मुझे होटल के स्टाफ ने कहा वाईफाई एक्सेस के साथ कमरा मिलेगा, जिसका अर्थ बिल्कुल यही है कि आप वाईफाई तक पहुंच सकते हैं लेकिन इंटरनेट तक नहीं, जब तक आप अतिरिक्त भुगतान नहीं करते। 5 सितारा होटल के लिए ये कहना कि कमरे में वाईफाई की सुविधा नहीं है, ये उल्लेख करने जैसा है कि कमरे के नल में पानी नहीं है। बात करते हैं ताज की। ताज का ऐतिहासिक पक्ष है, सेवा भी बढ़िया है, लेकिन जब आप स्वागत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जल्दी ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जगह है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। रंगीन टी शर्ट, शॉर्ट्स, धूप का चश्मा, सैंडल और स्वागत, वे आपके गले में फूलों की एक श्रृंखला लटकाते हैं। निश्चित रूप से गेटवे टू इंडिया के ठीक बगल में है ताज। यदि आप ताज में रहना पसंद करते हैं तो मैं ताज टावर के बजाय ताज पैलेस में रहने की सलाह दूंगा। दोनों ही 5 स्टार हैं, लेकिन टावर कुछ दशक पहले ही बनाया गया था, जबकि पैलेस सदियों पुराना महल है जिसे आप हमेशा तस्वीरों में देखते हैं। ताज में अद्वितीय कमरों के साथ एक पैलेस विंग है जो एक महल में रहने का एहसास देता है, भले ही इसकी कीमत औकात से ज्यादा क्यों ना चुकानी पड़े। ताज पर्यटन क्षेत्रों के बीच में, जहां पैदल दूरी के भीतर बहुत सारे अच्छे दर्शनीय स्थल जैसे कि म्यूजियम, गेटवे, कला, दुकानें और रेस्तरां हैं। ओबेरॉय ताज की तुलना में एक अच्छा समुद्र दृश्य, मरीन लाइन और शहर का व्यू है, लेकिन ये बिजनेस जैसे इलाके में स्थित है जहां बड़ी छोटी कंपनियां ऑफिस हैं। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ताज ग्रुप की स्थापना श्री जमशेद जी टाटा ने लगभग 118 साल पहले ही कर डाली थी। इसके अलावा ताज ग्रुप ने भारत में 84 लग्जरी होटल्स और प्रॉपर्टीज की एक ऐसी शक्तिशाली संख्या का निर्माण किया। ओबेरॉय ग्रुप की स्थापना 87 साल पहले श्री राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय ने की थी। ओबेरॉय समूह के पास आज लगभग 31 लग्जरी होटल है। संख्या के खेल में ताज ग्रुप ओबेरॉय से आगे ही रहा है। ताज व्यापक रूप से इंडियन टेरियन में फैला हुआ है और मुमकिन है कि आप ओबेरॉय की तुलना में ताज होटल में आने की संभावना ज्यादा रखते हैं। एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर। ताज और ओबेरॉय हमेशा कीमतों के मामले में एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स और लोगों के रिव्यूज में जो बात सामने आई वो ये थी कि ओबेरॉय ताज से अधिक महंगे ब्रांड के रूप में माना जाता है। ये ओबेरॉय ब्रांड के मॉडर्न और आलिशान एक्सटीरियर के कारण है जो उसे महंगा बनाता है। टैरिफ, शुल्क और एक्सपेंडिचर के मामले में दोनों ही ब्रांड की प्राइस एक समान है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन कीमतों के मामले में ताज ओबेरॉय की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ताज प्रेफरेबल है। दोनों में रुकने का अनुभव। अनुभव जो इन दिनों होटल में रुकने के बाद मुझे मिला है वो ये कहता है कि हमें इस बात से सहमत होना होगा कि ताज के पास ओबेरॉय की तुलना में ज्यादा तजुर्बा है। ताज भारत के कुछ बेहतरीन सफारी रिसॉर्ट्स को एक स्तर तक ले जाता है। इसके अलावा ताज ग्रुप के होटल डाइवर्स लैंडस्केप में बने हैं, जिनमें कुछ बेहतरीन क्यूरेटेड थीम रिसॉर्ट और लग्जरी होटल्स हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान बना रहे हैं या अकेले घूमने निकले हैं तो ताज आपके लिए आदर्श विकल्प हो सकता है। बिजकेशन या स्टेकेशन। अगर आप बिजनेस ट्रिप या कॉलिग्स के साथ मीटिंग्स या किसी बिजनेस इवेंट्स की तलाश में तो ओबेरॉय पूरी तरह से आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कॉर्पोरेट इवेंट्स और सेमिनार्स के लिए एकदम उपयुक्त द ओबेरॉय ग्रुप एक आदर्श बिजकेशन हो सकता है। इसके विपरीत ताज ठहरने के लिए एकदम सटीक है। एक सच्चा मेजबान। हालांकि ताज हमेशा सबसे भरोसेमंद ब्रांड होने की छवि रखता है, इसके अलावा वे और भी बहुत कुछ है। टाटा ग्रुप से बना ताज ग्रुप एक ऊंचे स्तर का ब्रांड है, लेकिन ओबेरॉय और ट्रिडेंट ग्रुप्स फाउंडेशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के समय से उनसे जुड़े हुए हैं। टाटा के पास कई ब्रांड है और ताज ग्रुप उनमें से एक है, लेकिन ओबेरॉय ग्रुप आंकड़ों में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैदान में एक सच्चा मेजबान है। बेशक ताज ग्रुप ने खेल के नियमों को बेहतर तरीकों से सीखा होगा, लेकिन ओबेरॉय ग्रुप सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रहा है।